Krishna. Welcome to our channel MS Dushal World. So, आज मैं actually ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ. Today is राम नवमी. Happy राम नवमी to all of you. राम जी की आशीर्वाद कृपा और ब्लेसिंग्स चाहिए हमें सबके ऊपर वर्षित हो. तो आज हम लोग यहाँ पे बहुत बिग एक ओपनिंग सेरेमनी है राम जी की पंचतत्व एंड राधा कृष्णा ललिता विशाखा इतना जो डिटीज है वो इंस्टॉलेशन है हमारे इस्कॉन रोहिणी टेम्पल में दिल्ली में. तो हम वहीं पे चलते हैं और आगे की कार्यक्रम आगे दिखाते हैं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो आज पहुंच चुके हैं इस्कॉन रोहिणी टेम्पल में और आते ही देखते हो बहुत सारा सिक्योरिटी यहाँ पे टाइट है क्योंकि आज बहुत सारे वीआईपी गेस्ट आने वाले. आज छोटे छोटे ई रिक्शा की सेवा दिया था टेम्पल से हमें कि टेम्पल तक पहुंचाने प्रोवाइड किया था. तो अभी हम ई रिक्शा में करके अब जा रहे टेम्पल. अब देखते हैं आगे टेम्पल पहुँचने के बाद. अब नाउ हमें बहुत सुंदर वेलकम मिला जो तिलक एंड अगुरु जो होते हैं सेंट के साथ. उसके बाद मैं जॉन बहुत सारे डिवोटीज से मिली और बहुत भव्य समागम लग रहा था डिवोटीज का. और यहाँ पे टेम्पल ये आप देख सकते हैं तो आर्किटेक्चर इज सो नाइस. इतना सुंदर डेकोरेशन था. माता जी से मिली ऋचा माता जी एंड इस सन अथर्व. इट इज वेरी नाइस. फिर उसके बाद मैं मेरे एक डियर डिवोटी जॉनिका माता जी से मिली एंड उनके साथ फोटो खिंचवाई. इट वॉज वेरी रियली नाइस एक्सपीरियंस आफ्टर सो लॉन्ग टाइम माता जी से मिली. फिर हमने ऊपर गए जहाँ पे वीआईपी के लिए सारे अरेंजमेंट थे अभिषेक इंस्टॉलेशंस की सेरेमनी. एंड मुझे यहाँ पे आई गॉट द वीआईपी बैंड. सो आपको अभी दिखाती हूँ मेरे वीआईपी बैंड कहाँ पे है. फिर मंदिर का डेकोरेशन देखिए ना यहाँ पे. आपको क्या देखूँ क्या ना देखूँ. इतना सुंदर था इतना सुंदर. अब नाउ यू कैन सी माय बैंड वीआईपी बैंड. ब्लू बैंड था मेरे पास और कीर्तन द एक्सटैटिक कीर्तन दैट वाज रियली अमेजिंग ईयर सूदिंग. और बहुत आपको आप खो जाओगे. हार्ट मेल्ट हो जाएगा आपको कि भगवान की इतना सुंदर जो अभिषेक हो रहा था. डिवोटीज बहुत ही एब्जॉर्प्शन के साथ कीर्तन कर रहे थे. मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैं आज सोच रही थी कि मैं कहाँ मैं तो बिल्कुल खो गई. और सारे ब्लेसिंग्स राम जी है पंचतत्व एंड हमारे राधा माधव ललिता विशाखा जी. और मंदिर के अंदर जो एक्चुअली सुंदर डेकोरेशन शैंडलियर झूमर इट वाज जस्ट अमेजिंग. माइंड आपको बॉगलिंग हो जाएगा यहाँ पे आके. आप प्लीज़ रोहिणी टेम्पल में आइए एक बार तो दर्शन कीजिए. 20 से सबके लिए दर्शन ओपन है एंड यू जस्ट कम एंड हैव दर्शन ऑफ दिस सुंदर सी भव्य मंदिर की रोहिणी टेम्पल इस्कॉन रोहिणी. और क्योंकि महाराज यहाँ पे बोल रहे थे लेक्चर में कि यहाँ पे भगवान हम एक्चुअली मायापुर की पंचतत्व के बारे में यहाँ पे ज़्यादा कोई जानता नहीं है दिल्ली में. तो पंचतत्व में श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाषादि गौर भक्तवृंद जो कलियुगे जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं मायापुर नवद्वीप में. तो वहाँ की वो पंचतत्व की ड्यूटीज को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया इसी के पर्पज से. देखिए अमोघलीला प्रभु जी इज देयर कि उन्होंने भी बता रहे महाराज जो लेक्चर दे रहे थे उसके बारे में कि महाराज यहाँ पे सारे हिस्ट्री बता रहा था रोहिणी टेम्पल की कि कैसे ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट. अरे जीकेडी प्रभु मतलब ही इज़ माय गॉड ब्रदर गोविंद कृष्णदास प्रभु जी. उनके फादर साक्षी गोपाल प्रभु जी भी वहाँ पे थे. हमने उनका दर्शन हुआ बहुत फुल एनर्जेटिक है प्रभु जी. हाँ मेरे गुरु महाराज हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रणाम. देन वी केम फॉर प्रसादम ऑब्वियसली. कीर्तन हो मंदिर के इनॉग्रेशन हो और प्रसाद ना हो ऐसे कैसे हो सकता है. टुडे वाज फास्ट फॉर रामनवमी तो फास्टिंग प्रसादम था. बहुत अच्छा था. बहुत डिवोटीज बिल्कुल सम्प्टुअस प्रसादम थे यहाँ पे और शाही पनीर फ्रूट्स एवरीथिंग. नाउ हम लोग मुझे सोचा कि बच्चे तो स्कूल में गए तो हमें जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए. तो वी जस्ट लेफ्ट द टेम्पल जबकि मन तो नहीं कर रहा था.
कि हरे कृष्णा टाटा सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।